मॉर्निंग स्टूडेंट, ईवीएस में आज हम चैप्टर 11 करेंगे, ईटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ बैठ के खाना। इंडिया इज ए कंट्री फेमस फॉर इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशन। भारत जो है अपने सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ईटिंग टुगेदर एंड शेयरिंग फूड इज ए पार्ट ऑफ इट्स रिच कल्चर। हमारी सभ्यता में एक साथ बैठ कर खाना खाने की वो है परंपरा। पीपल ऑफ इंडिया कुक एंड सर्व डिफरेंट डिशेज ऑन स्पेशल ओकेजन। जो भारत के लोग हैं वो विशेष अवसरों पर विशेष खाना बनाते हैं। सच ओकेजन में आइदर बी हेल्ड इन द फैमिली लाइक पार्टीज हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे और मैरिज सेलिब्रेशन और इन द कम्युनिटी। मतलब जैसे किसी का जन्मदिन हो या शादी हो या कोई और फंक्शन हो या फिर कम्युनिटी, जो पूरे मतलब सब लोगों को बुलाया जाता है। लाइक कम्युनिटी ईटिंग ऑन रिलीजियस एंड सोशल ओकेशन, जैसे कोई सामाजिक अवसर हो उस पर सबको बुला के खाना खिलाते हैं। ऑन दिस ओकेशन पीपल ईट देयर फूड टुगेदर विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जहाँ एक साथ खाना खाते हैं। ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली, फैमिली में एक साथ खाना। जनरली वी टेक 3 meals इन ए डे। हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं आमतौर पर। द प्लेस और टाइम एट विच वी ईट वेरीज अकॉर्डिंग टू आवर वर्क। और जो हमारा खाना है वो हमारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम पे हमारा काम ख़त्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन मोस्टली हैव देयर लंच एट स्कूल। जो स्कूल के बच्चे वो अपने स्कूल में लंच करते हैं। वाइल वर्किंग पीपल हैव इट एट देयर वर्क प्लेस। जो कामकाजी लोग अपने कामकाज की जगह पर करते हैं। बट इन ऑलमोस्ट ऑल फैमिलीज ऑल मेम्बर्स ईट डिनर और लंच टुगेदर। लेकिन ज़्यादातर घरों में सब फैमिली मेम्बर साथ लंच करते हैं। इट इज़ द टाइम वैन दे शेयर देयर होल डे एक्सपीरियंसिस, थाट्स, आइडियाज एट्सेट्रा। और सब पूरे दिन के अपने विचार और क्या क्या फीलिंग है एक दूसरे से शेयर करते हैं। विद द अदर फैमिली मेम्बर्स ईटिंग टुगेदर ब्रिंग्स ए फीलिंग ऑफ लव एंड टुगेदरनेस अमंग द फैमिली मेम्बर्स। इट ऑल्सो एस्टेब्लिश ए बॉन्ड ऑफ यूनिटी अमंग डिफरेंट मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। और एक साथ बैठकर खाने से सब सदस्यों में प्यार बढ़ता है। सेलिब्रेशन मतलब कोई भी उत्सव। देयर आर डिफरेंट ओकेशन हैल्ड इन ए फैमिली। परिवार में बहुत सारे ओकेशन होते हैं, अवसर सच एज मैरिज, शादी, बर्थडे एट्सेट्रा। दीज ओकेशन आर अटेंडेड बाई ऑल द फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। और इसमें रिश्तेदार भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं। स्पेशल फूड इन लार्ज क्वान्टिटी कुक्ड एंड सर्व। बहुत सारा खाना बनाया जाता है सब लोगों के लिए। समटाइम्स मैनी पीपल लाइक हलवाइज, कैटरर्स एंड वेटर्स आर रिक्वायर्ड टू कुक एंड सर्व फूड फॉर लार्ज गैदरिंग्स। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब होते हैं तो हलवाई लगाया जाता है। द टाइप ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन द कल्चर। और जो खाना है वो उनकी संस्कृति पर निर्भर करता है। इकोनॉमिक स्टेटस एंड रिलीजन ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइजिंग द फीस्ट। ईटिंग टुगेदर ऑन सच ओकेजन ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस टू एवरीवन। और सबका एक साथ खाना खाने का कोई भी अवसर जैसे शादी वगैरह, उससे बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल होता है। इट ऑल्सो बाइंड्स अस विद आवर रिलेटिव्स। और इससे हमारे रिश्तेदारों से हमारा अटैचमेंट बना रहता है। कम्युनिटी फीस्ट मतलब संप्रदाय के लोगों का एक साथ खाना। ऑन सेवरल रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड कम्युनिटी मीटिंग्स पीपल ईट कलेक्टिवली। इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटी फीस्ट और कम्युनिटी ईटिंग, मतलब एक साथ संप्रदाय के लोगों का खाना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फीस्ट इज टू ब्रिंग लव एंड अफेक्शन अमंग पीपल। और इसका उद्देश्य होता है कि पूरी कम्युनिटी, पूरे संप्रदाय के लोगों में आपस में प्यार को बढ़ाना। लंगर इज ए कम्युनिटी लंच ऑर्गेनाइज इन गुरुद्वारा। गुरुद्वारा जो सिखों का होता है उसमें लंगर आयोजित किए जाते हैं। इन्हें लंगर पीपल सिट ऑन ग्राउंड इन ए लाइन एंड ए सिंपल वेजिटेरियन फूड इज सर्व टू ऑल। और लंगर में क्या होता है, ऐसे लोग लाइन में बैठते हैं और उनको शाकाहारी खाना परोसा जाता है। फूड इज कुक्ड इन ए कॉमन किचन बाय वॉलंटियर्स। द वॉलंटियर्स कुक फूड, सर्व इट एंड देन क्लीन द प्लेस। और जो वहाँ पे काम करते वॉलंटियर्स वो खाना बनाते हैं, लोगों को सर्व करते गुरुद्वारा में और साफ सफाई करते हैं। और उनके इस काम को क्या बोला जाता है, सेवा। और जो लोग ये काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेवादार। मैनी टेम्पल्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ईटिंग कॉल्ड भंडारा। और मंदिरों में क्या किए जाते हैं, भंडारा। आपने गए भी हो गए आप लोग, भंडारे में सब लोगों को एक साथ खिलाया जाता है। ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज रामनवमी, जैसे रामनवमी, दुर्गा पूजा वगैरह होती है। ईटिंग एट स्कूल, स्कूल में एक साथ खाना। चिल्ड्रन हैव ए लॉट ऑफ फन ड्यूरिंग लंच ब्रेक एट स्कूल।
स्कूल में लंच टाइम के दौरान बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं. दे ईट विद देयर फ्रेंड्स इन स्कूल ड्यूरिंग लंच टाइम एंड ऑल्सो शेयर देयर मील्स. और वो अपने दोस्तों के साथ अपना खाना शेयर करते हैं और मिल बांट के खाते हैं. शेयरिंग मील्स ब्रिंग्स देम क्लोजर टू देयर फ्रेंड्स. और शेयरिंग मील्स मतलब खाना एक दूसरे से बांटना उनमें प्यार को बढ़ाता है. सम स्कूल्स ऑल्सो हैव हॉस्टल फॉर द स्टूडेंट. कुछ स्कूलों में बच्चों के लिए हॉस्टल भी होते हैं. These schools are called boarding school. इन स्कूल को हम क्या बोलते हैं? बोर्डिंग स्कूल. मैनी स्टूडेंट्स लीव टुगेदर इन हॉस्टल. बहुत सारे लोग बच्चे हॉस्टल में एक साथ रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं वो. ऑल ऑफ देम ईट फूड एट ए कॉमन प्लेस. और हॉस्टल में सारे बच्चे एक कॉमन जगह पे खाना खाते हैं, कॉल्ड मैस. उस जगह को क्या बोलते हैं? मैस. ए बिग हॉल विद मैनी टेबल्स एंड चेयर्स. वो एक बड़ा हॉल होता है और उसमें बहुत सारी चेयर होती है. फूड इज कुक्ड हेयर इन ए बिग किचन एंड सर्व टू ऑल स्टूडेंट्स. एक बड़े रसोई में सब बच्चों के लिए खाना बनता है. ए मैस इज ऑर्गेनाइज बाई मैस कॉन्ट्रैक्टर. और जो ये मैस है ये एक मैस कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है. हु ओन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड एंड मैनेजमेंट ऑफ यूटेंसिल्स फर्नीचर एट्सेट्रा. और वो क्या करता है? इनकी देखभाल करता है. द क्वालिटी ऑफ फूड इज रेगुलरली चेक्ड बाय द हॉस्टल वार्डन. और फूड की क्वालिटी को कौन चेक करती है? हॉस्टल वार्डन जो होते हैं. मिड डे मील. इन गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ए मील फ्री ऑफ कॉस्ट इज प्रोवाइडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स. जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं प्राइमरी तक यानी पाँचवीं क्लास तक के, उनमें सरकारी स्कूलों में उनमें बच्चों को दिन में फ्री खाना दिया जाता है. इसको हम क्या बोलते हैं? मिड डे मील. दिस स्कीम वॉज प्रोवाइडेड बाई द इंडियन गवर्नमेंट टू. और ये किसको दी जाती है? सरकार के द्वारा. इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पुअर चिल्ड्रन. ताकि वहाँ पढ़ने वाले गरीब बच्चों की सेहत में सुधार हो, जिनको घर पे अच्छे से खाना नहीं मिलता. एनकरेज द चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल. और मतलब बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रोत्साहन मिले. ब्रिंग अबाउट ए फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस. और साथ बैठकर खाने से उनमें आपस में एक साथ रहने की भावना बढ़े. थैंक यू. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. आज हम EVS की वर्कशीट करेंगे. EVS में चैप्टर 11 ईटिंग टुगेदर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग टुगेदर इन ए फैमिली. फैमिली में एक साथ खाने की क्या अहमियत होती है? ईटिंग टुगेदर ब्रिंग्स ए फीलिंग ऑफ लव एंड टुगेदरनेस अमंग द फैमिली मेम्बर. एक साथ बैठकर खाना खाने से परिवार के सदस्यों में आपसी प्यार और घनिष्ठता बढ़ती है. व्हाट इज़ भंडारा. मैनी टेम्पल्स ऑल्सो ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ईटिंग कॉल्ड भंडारा ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज रामनवमी. बहुत सारे मंदिर में समय समय पर किसी विशेष अवसर पर सब लोगों के लिए खाना बनाया जाता है, वो भंडारा कहलाता है. वट इज़ मिड डे मील. मिड डे मील क्या होता है? मिड डे मील इज़ ए मील प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट. सरकारी स्कूलों में जो पाँचवीं क्लास तक के बच्चों को दोपहर के टाइम फ्री खाना दिया जाता है सरकार की तरफ से, उसको मिड डे मील बोलते हैं. What is सेवा and who are सेवादार. The volunteers in Gurudwaras cook food, serve it and then clean the place. This service is called सेवा and the people are called सेवादार. जो गुरुद्वारा में लोग खाना बनाते हैं और गुरुद्वारा को साफ करते हैं, बर्तन धोते हैं, ये सारे क्या, ये सब क्या कहलाती है? सेवा. और जो लोग ये करते हैं उनको क्या बोलते हैं? सेवादार. Philips. Eating together and sharing. Food is a part of our culture. Generally we eat 3 meals. हम 3 बार खाना खाते हैं. Dash is community lunch organized in Gurudwara. गुरुद्वारा में कौन सा community lunch होता है? लंगर. The quality of food is regularly checked by the dash in a hostel. Hostel में किसके द्वारा check की जाती है फूड की क्वालिटी? हॉस्टल वार्डन के द्वारा. हॉस्टल वार्डन. मैनी टेम्पल्स ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ईटिंग कॉल्ड भंडारा. द स्कूल दैट है हॉस्टल आर कॉल्ड. जिन स्कूलों में हॉस्टल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बोर्डिंग स्कूल. The place or time at we eat varies according to our work. Dash in large quantity is cooked and served on special occasion. समय समय पर क्या बनाया जाता है? Special food.
थैंक यू।